नमस्कार, डिजिटल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 7 दिसंबर 2017 को कांग्रेसियों द्वारा जबलपुर बंद का आह्वान किया गया है। बिजली के मुद्दे को लेकर एक जनता की बहुत बड़ी लड़ाई कांग्रेसियों द्वारा लड़ी जा रही है। सौरभ नाटी शर्मा द्वारा जिस प्रकार से जनता के एक प्रमुख मुद्दा, जो कि घर में बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या होती है और बिजली के बिलों की भी बहुत बड़ी समस्या होती है, उसको उठाया है, यह काबिले तारीफ है। परंतु क्या जनता ने इनका साथ दिया है और कितना साथ दिया है, ये देखने के लिए आज हमारे रिपोर्टर्स द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस बात का परीक्षण किया गया है कि क्या जबलपुर बंद था और इस बंद का आह्वान का जनता पर कितना असर पड़ा है। वो तो सौरभ नाटी शर्मा ने एक प्रमुख लड़ाई का आह्वान शहर में किया था, परंतु क्या कांग्रेसियों ने इसमें गुटबाजी को छोड़कर उनका कितना साथ दिया है और इस लड़ाई ने कांग्रेस में विपक्ष होने का एहसास जनता के मध्य कितना करवाया है, यह जानना बहुत जरूरी है। आज जबलपुर में बिजली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का जबलपुर बंद का आह्वान था। बढ़ते हुए बिजली के बिलों को लेकर कांग्रेस पिछले 2 महीनों से सतत रूप से प्रदर्शन कर रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेसियों ने जगह जगह शहर को बंद करवाते नजर आए। हो हल्ला मचाते हुए कांग्रेसी जब कुछ जगहों पर पहुंचे तो पुलिस द्वारा उनसे उनकी एक बड़ी झड़प हुई। कुछ जगहों पर कांग्रेसियों द्वारा शराब की दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि धीरे धीरे शिवराज सरकार मध्य प्रदेश विद्युत वितरण विभाग द्वारा संस्था का निजीकरण करने में लगा हुआ है और विद्युत विभाग द्वारा स्पॉट रीडिंग, बिलिंग व वसूली का कार्य फेडको कंपनी को दे दिया गया है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जबलपुर बंद का आह्वान कितना सफल हुआ, यह जानना जरूरी था और यह देखने वाली बात थी। प्रत्यारोप के दौर में जबलपुर बंद का आह्वान कितना सफल हुआ, यह देखने वाली बात है, क्योंकि पेट्रोल पंप, स्कूल कॉलेज जहां पर खुले हुए थे, वहीं कुछ जगहों पर मॉल और दुकानें बंद थीं। व्यापारियों ने चतुरतापूर्वक कांग्रेसी मोर्चों के सामने दुकानें बंद तो कर दी, परंतु जब मोर्चे आगे बढ़े तो उनके द्वारा दुकानें खोल ली गईं। जबलपुर बंद का मिला जुला असर शहर को देखने को मिला है। निष्क्रिय विपक्ष ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, जनता के साथ और जनता की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि धीरे धीरे शिवराज सरकार मध्य प्रदेश विद्युत वितरण विभाग द्वारा संस्था का निजीकरण करने में लगा हुआ है और विद्युत विभाग द्वारा स्पॉट रीडिंग, बिलिंग व वसूली का कार्य फेडको कंपनी को दे दिया गया है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जबलपुर बंद का आह्वान कितना सफल हुआ, यह जानना जरूरी था और यह देखने वाली बात थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस द्वारा विपक्ष की एक अच्छी लड़ाई की शुरुआत की गई है। बिजली का मुद्दा जनता के मध्य होता है और धीरे धीरे कुछ जगहों पे कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्शाती हुई नजर आ रही है। पे सत्ताधारी प्रदेशधारी सरकार बीजेपी की कबते हुए बिलों की समस्याओं का निराकरण करेगी। वहीं कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि कांग्रेसियों द्वारा जबरदस्ती इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है, तो हम देखेंगे कि कांग्रेस इस लड़ाई को कितनी आगे तक लेके जाएगी और जनता के मध्य यह लड़ाई कितनी सफल होगी। जबलपुर शहर में लगातार पिछले कई महीनों से कांग्रेस पार्टी द्वारा बिजली विभाग द्वारा दिए जा रहे अनाप शनाप बिलों को लेकर आंदोलन चल रहा है। जबलपुर के एक वरिष्ठ नेता सौरभ नाटी शर्मा पिछले कई महीनों से इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं एवं इस आंदोलन की नींव भी सौरभ नाटी शर्मा द्वारा रखी गई, जिसके चलते 7 दिसंबर को जबलपुर बंद का आह्वान कांग्रेस द्वारा किया गया। परंतु इस जबलपुर बंद में कहीं दुकानें खुली रहीं तो कहीं दुकानें बंद रहीं, कहीं कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता दुकानें बंद कराते नजर आए, परंतु जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़े तो लोगों ने अपनी शटरें फिर से खोल ली। कहीं तो ऐसे नजारे भी देखे गए कि दुकानों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की जा रही थी, कुछ शराब दुकानों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई एवं कुछ जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस से भी हो गई। इस दौरान पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाइश दी गई कि वे अपना कार्य करें। आज के इस जबलपुर बंद का कुछ खासा असर जबलपुर की जनता पर नहीं दिखा एवं देखने वाली बात यह है कि जब बढ़ते बिलों से आम जनता इतनी परेशान है और कांग्रेस पार्टी आम जनता का इतना समर्थन कर रही है, तो आखिर सरकार क्यों अपने कदम पीछे हटाए हुए है? कब सरकार आगे बढ़कर आम जनता की इस समस्या का निराकरण करेगी? पूर्व विधानसभा क्षेत्र एवं समस्त जबलपुर बंद कराया जा रहा है। आम आदमी और गरीबों को ये जो बिजली की मार जो सहना पड़ रही, जिन घरों में 700-700 रुपए का बिल आता था, उन घरों में 70-70 हजार रुपए का बिल पहुँचाया जा रहा है। हम लोगों द्वारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र एवं जबलपुर में रैली के माध्यम से पूरा जबलपुर बंद कराया जा रहा है। बंद का आह्वान किया था तो पूरा उनका बंद का आह्वान विफल हो गया। पब्लिक उनका सपोर्ट नहीं कर रही और जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद कल्याण गुप्ता जी हैं, वो खुद अपने प्रेस स्टेशन खोल के बैठे हुए हैं, दूसरे के प्रेस स्टेशन आजू बाजू को बंद करवा रहे हैं।
इसलिए मैं सभी व्यापारी जनता से अपील करता हूँ कि कांग्रेस का ये कार्यक्रम विफल करवाएं।